विकासखंड संकटगढ़ में अधिकारियों की मनसा शासन के विरुद्ध कार्य करके सरकारों को बदनाम करने का सिलसिला चल पड़ा है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री धर्मराज पाल के मुताबिक पानी पीने की समस्या को लेकर 2 वर्षों से झेल रहे हैं। छोटी समस्या नासूर बन अपने ही सरकार में मीडिया के समक्ष बोलना पड़ जाए तो समझा जा सकता है। अधिकारियों के कार्य करने का तरीका क्या होगा? भाजपा नेता विधानसभा संयोजक धर्मराज पाल निवासी रूम खिरहट खुर्द 12 ने विकास खंड संकटगढ़ में कार्यरत खंड विकास अधिकारी के ऊपर शासन प्रशासन के मनसा के विरुद्ध कार्य करके सरकार को बदनाम करने के साथ सुविधा निःशुल्क न मिलने पर लापरवाही आरोप लगाकर जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आइए दिखाते हैं अभिषेक मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। संकटगढ़ ब्लॉक वीडियो के संदर्भ में आपको क्या कहना, क्या समस्या है? हमारे संकटगढ़ ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी जी के मिली भगत से हमारे यहाँ पंचायत सेक्रेटरी श्रीमान कमलेश यादव जी, जो कि सपा माइंड के हैं और वो बार बार कहते भी हैं कि मैं सफाई हूँ, उनके वीडियो साहब के कहने पर कि 3 दिन के अंदर आपका रीबोर हो जाएगा। हमने जिलाध्यक्ष जी से फ़ोन करवाया, माननीय हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती जी, पूर्व जिला महामंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मीडिया प्रभारी श्री दिनेश तिवारी जी, तीनों लोगों से इन्होंने कहा कि मैं 3 दिन के अंदर आपका रीबोर करवा दूँगा। यही बात 2.5 महीने पहले भी कही गई, यही बात कल भी कही गई, आज तक ना तो पंचायत सेक्रेटरी फ़ोन करते रह गए, दिन भर इंतज़ार करते रह गए। हाँ, यहाँ सोनवर्षा में हैं, आज सीट टिकट में हैं, अभी हर्रो में हैं, अभी बिहरिया में हैं, आ रहे हैं। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से केंद्र में और प्रदेश की भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ रिश्वत लेने के चक्कर में कार्यकर्ताओं का काम नहीं कर रहे हैं। पानी की अति प्रबल समस्या है। जब हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है तो आम जनता का काम कैसे हो सकता है, जो सीधे साधे एक गांव में रहते हैं, किसान हैं, किसानी का काम करते हैं, उनका काम कैसे होगा? तो मैं माननीय जिलाधिकारी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच कराई जाए, इनकी चल और अचल संपत्ति की जांच कराई जाए। अगर ये सही न पाए जाएं तो इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। जैसे हमारे गांव के बगल में सटी हुई ग्राम सभा बांसी और पोहड़िया है, यहां पर प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। जिन किसानों के पास 20 बीघे से 25 बीघे 22 बीघे ज़मीन है, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, 2-2 ट्रैक्टर हैं या पूर्व प्रधान हैं, ऐसे व्यक्तियों को एक एक घर में 4-4 शौचालय, 3-3 प्रधानमंत्री आवास, 2-2 प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। तो मैं माननीय जिलाधिकारी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे सरकार को बदनाम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। क्या नाम है? धर्मराज पाल। कहाँ के रहने वाले? गांव रूम, पिछड़ा मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष एवं विधानसभा संयोजक 12।